नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आइए दोस्तों, फटाफट आज हम नीम के विषय में जानकारी लेते हैं। लैटिन में इसको एमाडी रेक्ट इडिका इस नाम से जाना जाता है। नीम बेहद हल्का होता है और शीतल प्रकृति का माना जाता है। अच्छा, सुश्रुत ने नीम को जब पचता है तो पचने में शीतल मगर परिणामत गर्म प्रकृति का माना है। शीतल जब आप खाएंगे, जब पचेगा तो तब तक पाचन तंत्र तक जब पहुंचेगा तो वो शीतल होगा, लेकिन पाचन तंत्र में पहुंच करके जब पाचन क्रिया होना शुरू होगा तो नीम परिणाम में परिवर्तन होकर के गर्म होना शुरू होगा। दोस्तों, नीम कड़वा है ये तो सब कोई जानते हैं। यह व्रण यानी घावों को फोड़े और फुंसियों को शोधन करने का काम करता है, उसको अवशोषण करने का काम करता है, उसको सुखाने का काम करता है। क्योंकि दोस्तों ये पित्त दोष का शत्रु है, क्योंकि ये परिणाम में जाकर के शीत वीर्य से ये उष्ण वीर्य का बन जाता है। बहुत सारे ऋषियों ने बहुत सारे ग्रंथों में व्रण शोधक के करके नीम को संबोधन किया है। दोस्तों, अगर ये शीत वीर्य होता तो व्रण का कभी ये शोधन न करता। व्रण शोधन तो हीन वीर्य और शीत वीर्य कभी कर ही नहीं सकता। व्रण का शोधन तो हमेशा उष्ण वीर्य के जितने भी दवाई है वही कर सकते। इसीलिए सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में इसे परिणामत उष्ण वीर्य के करके संबोधन किया है। दोस्तों, नीम का जो यह जो पौधा है वो जानकारी अगर जुटाना शुरू करे तो नीम के विषय में बहुत लंबी जानकारी है, जिसे शायद आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। किसी भी वनौषधि के विषय में बिन जाने पहचाने आपके शरीर की प्रकृति के अनुकूल है या नहीं है, इस चीज़ को जाने बगैर हमें नीम तक भी खाना या तुलसी के पत्ते तक को खाना भी, थोड़े बहुत कभी खा ले तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अधिक सेवन करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आप प्रतिदिवस इसके सेवन करते हैं तो इसके गुणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, परिणामत उष्ण वीर्य होने के वजह से ये कृमिनाशक होगा, जितने भी कीटाणु है वो सभी को नाश करने वाला होगा। इसीलिए जब भी कभी वायरस होता है तो नीम के अधिक सेवन करने का सलाह दी जाती है। ये बमन को रोकने वाला, ये व्रण को शोधन करने वाला, ये शरीर में कफ को बैलेंस में रखने वाला और सूजन को नाश करने वाला है। नीम के सेवन से अगर एक निश्चित नियम में अगर नीम का सेवन किया जाए तो शरीर के समग्र टॉक्सिन यानी जहर को, विष को भी यह समाप्त करता है। शरीर के दूषित बात को यह निवारण करता है। हृदय की जो जलन है उसको शीतलता प्रदान करता है और खांसी में विशेष करके नीम की प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको निरंतर प्यास लगा रहता है तो ऐसे सिचुएशन में नीम का प्रयोग बहुत अच्छा परिणाम देगा। यदि आपको अरुचि का प्रॉब्लम है, अरुचि माने भूख न लगना या खाने खाने की मन नहीं करना, भूख भी लग रहा है लेकिन भोजन करने का इच्छा भी नहीं होता, तो ये अरुचि की सिचुएशन है, तो ऐसे समस्या में भी नीम का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये एक मल स्तंभक है, ये शरीर के मल को स्तंभन करता है। जब भी कभी लूज मोशन आदि समस्या हो तो उन दिनों में अगर हम एक निश्चित नियम के साथ नीम का प्रयोग करते हैं तो आपके मल को स्तंभित कर देगा। सबसे बढ़िया विरेचक में गिने जाने वाला तीव्र विरेचक में नीम भी आता है, इसीलिए विरेचन कर्म में नीम को प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बेहद अच्छा जानकारी प्रदान करूं। नीम जब आप खाएंगे और अमाशय तक पहुंचने से पहले पहले ये शीत वीर्य का है और वो बेहद कड़वा भी है,
और ये अरुचि कर जब आप खाओगे, जब तक आपके यह जो नीम जब आप खाएंगे तो खाने के बाद ये अरुचि कर, क्योंकि ये तब तो ये शीत वीर्य का होगा और ये बेहद कड़वा होगा, तो उस वक्त ये अरुचि कर होगा। हाँ, बाद में रुचिकर इसका प्रभाव जब ये पाचन तंत्र में जाएगा तो वहाँ से कुछ रस निकलने के बाद ये रुचिकर होगा, लेकिन पहले खाते वक्त जब मुंह से अंदर तक जाएगा तो मुंह से जब खाएंगे चबाएंगे उस समय ये अरुचिकर ही रहेगा। देखो नीम के जो रासायनिक प्रकरण है वो कितना बड़ा है, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं ये शीत वीर्य होने के बावजूद भी परिणामतः गर्म प्रकृति का दवाई है, ये कड़वा होने से अरुचिकर, क्योंकि जितने भी दोस्तों कड़वे चीज है ना वो सभी अरुचिकर होते हैं, वो खाना खाने में मन न करने की सिचुएशन अधिक कड़वा चीज खाना खाने से होता है, तो ये शीत वीर्य होने से होने के बावजूद भी परिणामतः गर्म प्रकृति का है, यानी ये उष्ण वीर्य का है, और कड़वा होने के बावजूद भी यह बेहद रुचिकर है। एक बात और दोस्तों, जो खा करके खाने में और पचने से पहले या पचने के बाद भी जो कड़वा होते हैं ना कोई भी वनौषधि, वो वीर्य, क्योंकि वो मल को अवरोध करता है और उसके साथ साथ वीर्य पर अपना बुरा प्रभाव डालता है, ये वायु को बढ़ाता है, ये वीर्य को अपना बेहद बुरा प्रभाव देता है। एक दो दिन, चार पांच दस दिन तक नीम की सेवन कोई हानि नहीं करता, लेकिन अगर आप प्रति दिवस आप देखेंगे जितने भी साधु संत है जो घर परिवार छोड़ करके आए हैं, वो दत्यून करते वक्त लकड़ी को रगड़ते हैं, यानी नीम को अपने दांत में रगड़ते हैं दांत साफ करने के लिए। आपने भी सुने होंगे शायद, आप भी उन साधु संतों के चक्कर में आपने भी कभी वृंदावन बनारस जाते वक्त दत्यून किया होगा, वो नीम का लकड़ी होता है। तो दोस्तों ये गृहस्थियों के लिए बहुत डेंजर है। पहली बात तो जितने भी जो कड़वा चीज है, जो पचने के बाद भी जो कड़वा होते हैं, खाते वक्त भी कड़वा होते हैं, जो उष्ण वीर्य के जितने भी कड़वा चीज है वो वीर्य में अपना दूषित प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा डायबिटीज के रोगियों को, जब अगर वो हीन वीर्य वाले होंगे यानी वो कमजोर अगर होंगे और उनको अगर गुड़मार का अधिक सेवन कराया जाता है, उनको अगर मेथी का अधिक सेवन कराया जाता है, तो कुछ समय के बाद उसको लगता है यार मेरा शरीर कमजोर होते जा रहा है। तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है गुड़मार बेहद तिक्त है और ये अपना मेथी का दाना भी बेहद कड़वा है, तो इनकी जो कड़वाहट पाचन के बाद भी कड़वा होने के वजह से ये वीर्य में अपना दूषित प्रभाव देते हैं। तो प्रतिदिवस इनके सेवन से आपके शरीर में जो वीर्य है वो दूषित होगा, शुष्क होगा, यानी वीर्य सोखना शुरू होगा, सूखना शुरू होगा, फिर परिणामतः आप एक नपुंसक बनने के रास्ते में, उस कगार में, उस लाइन में आप खड़े होंगे। यदि आप इसीलिए इन वनौषधियों के सेवन करने से पहले इनके गुण धर्मों को अच्छी तरह से जानना, समझना और पहचानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों प्रतिदिवस नीम के सेवन से काम शक्ति घटने लगता है, शरीर में वीर्य कम होता है या वीर्य में काम शक्ति को कम करने की सामर्थ्य होते हैं। दोस्तों इसीलिए जो साधु संत है प्रतिदिवस नीम खाया करते हैं, अगर नीम खाने की उनमें आदत नहीं है या आदत न बन सके तो वो प्रतिदिवस नीम से दत्यून करने का प्रयास करते हैं, ताकि क्योंकि उनको तो गृहस्थी नहीं है ना, वो अब उपरत होकर के ऊपर पहुंचे हैं, तो उनको अपने शरीर में काम शक्ति को घटाना है, इसीलिए वो प्रतिदिन नीम का सेवन करते हैं। तो उन संतों के देखा देखी गृहस्थी वाले भी लग जाते हैं नीम की सेवन करना, लेकिन शायद संतों को भी ये नहीं मालूम आजकल के संतों को कि नीम की इस तरह से सेवन किस वजह से हो रहा है, इसीलिए वो लोगों को भी शायद नहीं बता पाते कि भाई नीम के सेवन से एक्चुअल फायदा क्या है या साधु संत इस नीम के सेवन आखिर क्यों करते हैं। दोस्तों इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें काम शक्ति घटता जाए घटता जाए, एक ऐसी समय आए जहाँ पर काम शक्ति नाम का कोई चीज न रहे, क्योंकि संतों में काम भावना वासना विषय वासना बेहद जीरो होना चाहिए, तो ये नीम के अधिक सेवन से ये संभव है। इसीलिए नीम का अधिक सेवन गृहस्थी आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए घातक है,
तो दोस्तों नीम के विषय में बहुत लंबा ये इसका प्रकरण है, बहुत लंबा ये इसका बातें हैं। आने वाले दूसरा वीडियो में इसी का दूसरे पार्ट बना करके आपको नीम को किस तरह से, किस रोग में, किस दोष में प्रयोग किया जाए और नीम के एक विशिष्ट प्रयोग में आपको वहां पर बताऊंगा। आज के लिए इस नीम को यदि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, यदि आपको काम शक्ति की आवश्यकता है, या यदि आप सेक्सुअल समस्या से जूझ रहे हो, या यदि आप हीन वीर्य वाले हो, कमजोर हो, दुबला और पतला शरीर है, आपका शरीर वैसे ही मोटे आप नहीं हो रहे, या बहुत कृश आपका शरीर है, बहुत कमजोर है, तो ऐसे में प्रतिदिवस नीम का सेवन आपके लिए घातक हो सकता है। ये मैं नहीं बल्कि सुश्रुत आदि इन संतों ने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा प्रदत्त यह जानकारी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे वीडियो की प्रतीक्षा करिए। आज के लिए मुझे दीजिएगा विदा। जय श्री राम।